नमोथाय, जय भीम। मैं आपका दोस्त प्राजागर हूँ। आज फिर एक बार चित्तहस्त स्थविर की कथा आपके समक्ष लेकर आया हूँ। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूँ इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सुनते हैं धम्मपद की कथा, चित्तहस्त स्थविर की कथा। जागृत साधक को कोई भय नहीं। गाथा। अनावसतु चित्तस अनन्वाहत चित्तसु पुण्य पाप पहिनस नत्थि जागरतु भय। अर्थात जिसके चित्त में राग नहीं है, जिसका चित्त द्वेष रहित है, जो पाप पुण्य से परे उड़ गया है, ऐसे सावधान जागृत व्यक्ति को कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है। चित्तहस्त ने देखा कि उसकी पत्नी खाट पर सोई हुई थी। उसकी साड़ी इधर उधर हो गई थी। करीब करीब वह नग्नावस्था में ही थी। उसके मुंह से लार निकल रही थी, नाक से घर घर यह शब्द हो रहा था, मुंह से खर्राटे ले रही थी, दांत किटकिटा रहे थे, विशाल शरीर फुला हुआ लग रहा था। उसके फुले हुए शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो एक लाश है। उस शरीर को देखकर उसे लगा, अरे यह जीवन तो सचमुच दुखमय है। मैं कई बार भिक्षु बना पर स्त्री के मोह के कारण भिक्षु नहीं रह पाया। इस स्त्री का शरीर भी अनित्य है, दुखपूर्ण है। ऐसा सोचकर उसने अपना चीवर लिया और सातवीं बार प्रवज्जित होने के लिए चल पड़ा। चित्तहस्त पूरे मार्ग यह सारा संसार दुखमय है इस पर चिंतन करता रहा। विहार पहुंचते पहुंचते ही वो श्वेतापन्न की स्थिति को प्राप्त कर लिया। वहां पहुंचकर उसने भिक्षुओं से एक बार पुनः प्रवज्जा के लिए आग्रह किया। भिक्षुओं ने इस बार उसे मना कर दिया और कहा, तुम प्रवज्जा का महत्व नहीं जानते। तुम्हारा चेहरा सड़क पर पड़े हुए पत्थर की भांति है जो बार बार रगड़ खाता है पर उस पर कोई असर नहीं होता। तुम अब अभ्यस्त हो गए हो, हम तुम्हें प्रवज्जित नहीं करेंगे। बंते, एक बार अंतिम बार कृपा करके मुझे प्रवज्जा दीजिए। भिक्षुओं ने उसके पिछले उपकारों को याद कर उसे पुनः प्रवज्जा दिला दी। कुछ ही दिनों में वह अहर्त हो गया। इधर मजाक में कुछ भिक्षुओं ने चित्तहस्त से कहना शुरू कर दिया, क्या बात है चित्तहस्त, बहुत दिन हो गए, इस बार तुम गृहस्थ बनने में बहुत देर कर रहे हो। तब चित्तहस्त ने उन्हें बताया, संसार में आसक्ति के कारण ही मैं अभी तक बार बार घर जाता रहा, पर अब उस घर से मेरी आसक्ति नहीं रह गई, अतः मैं नहीं जाता। भिक्षुओं को लगा चित्तहस्त झूठ बोल रहा है, अतः वे शास्ता के पास ले गए और पूरी बात बताई। तब शास्ता ने उन्हें बताया कि चित्तहस्त सच बोल रहा था। पहले उसका चित्त स्थिर नहीं था, अतः बार बार आना जाना करता था, पर अब वह अर्हत्व प्राप्त कर चुका है और उसका चित्त स्थिर हो गया है। अब उसे बार बार आने जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तब भगवान ने यह गाथा सुनाई, अनावसुत चित्तस अनन्वाहत चेतसु पुण्य पाप पहिनस नत्थि जागरतो भय। साधु साधु साधु।